हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँगी, वो है बायोटिक का टोनर है। और मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पर्पल हॉल्स शेयर किया है, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। इस टाइम ऑफर चल रहा है पर्पल पे, तो आप लोग उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और मैंने भी अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स वहाँ से ख़रीदा है, तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इस टाइम कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको उसके साथ बहुत सारे सामान फ्री में मिलेंगे, तो आप लोग उसको जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, वो मेरा जो ये वाला वीडियो है वो है बायोटिक का टाइटनिंग पोर टाइटनिंग टोनर है। मैंने बायोटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे बायोटिक के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सारे ये प्रोडक्ट हर्बल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बायोटिक का स्क्रब, बायोटिक के फेस वॉश, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट इसका यूज़ किया है। तो मैंने उसको देखते हुए ही मैंने टोनर ऑर्डर किया। ये जो टोनर है वो देख सकते हैं आप लोग, बायो का कम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालय वाटर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। आप लोग अच्छे से जानते हैं मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, एंड ऑयली फेस वालों के लिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये टोनर जरूर ट्राई करिएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर है ये, एंड प्राइस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे मेंशन है 175 रुपीज, बट मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मुझे 112 रुपीज में मिली थी, तो बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था। एंड इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, पहले मैंने इसको यूज़ किया है इसीलिए मैं आप लोग के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मैं ये आधा बॉटल ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेंशन हुआ है ऊपर, बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो ककम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालय वाटर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। यहाँ पे ऊपर ही मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं ककम्बर बना हुआ है, आयुर्वेदिक रेसिपी 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स। एंड कुछ नहीं, यहाँ पे मेंशन इसका प्राइस मेंशन है, मैंने आपको बताया ही कि 175 रुपीज का है ये, बट मुझे 112 मिल गया था ये। और चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा, मतलब ये कितना बचा है, एकदम थोड़ा सा बचा है, आई थिंक इतना बस होगा ये। मैंने इसको पूरा यूज कर डाला है, पूरा खत्म है। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। गाइस, मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी, क्योंकि टोनर आप कैसे यूज कर सकते हैं? टोनर को मैं बताऊंगी कि आप स्प्रे करके यूज करिए। एक स्प्रे बॉटल आता है छोटा सा, उसको आप ले लीजिए, उसी में अगर आप भर के उस स्प्रे करेंगे फेस पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टोनर क्यों यूज करते हैं? आपकी स्किन में बड़े ओपन पोर्स हो जाते हैं, जिससे उसमें काफी ज्यादा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, तो पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग टोनर का यूज कर सकते हैं। आप घर पे भी टोनर बना सकते हैं, मैंने वीडियो एक डाला हुआ है राइस टोनर का, वहां पे देखिए मैं घर पे बनाई हूँ टोनर। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप घर पे बना सकते हैं टोनर, वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं दोनों चीज ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे इसका मुझे पैकेजिंग उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये कुछ इस टाइप से है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कॉटन की हेल्प से आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्प्रे बॉटल रहेगा तो उससे आप जब स्प्रे करेंगे तो चारों तरफ पूरे फेस पे फैल जाएगा, तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ इस पे मेंशन था वही सब इस पे भी मेंशन है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। इसको यूज कैसे करना है, इस पे मेंशन हुआ है, अप्लाई टू कॉटन पैड और वॉश क्लॉथ्स एंड जेंटली वाइप ओवर क्लींस्ड फेस एंड नेक मॉर्निंग एंड इवनिंग। आपको इसको यूज 2 टाइम्स करना है आफ्टर फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद आपको अपने फेस पे सबसे पहले टोनर अप्लाई करना चाहिए। टोनर से जो ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, आपके फेस पे अलग सा ग्लो आ जाता है। उसके बाद अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं तो वो काफी गंदा लगता है देखने में। एंड जो काफी एज की वुमेन हो जाती है उनमें अधिकतर पाया जाता है कि उनकी जो स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो मैं इनको कहूंगी कि प्लीज आप लोग टोनर का यूज जरूर करिए। मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग टोनर का यूज जरूर किया कीजिए। तो ये टोनर तो मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ किस तरह से है, ये एकदम ऐसे है, और ये इतना ठंडा सा लगता है ना फेस पे लगाने के बाद, इतना ठंडा सा लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है एकदम। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम वाटर के जैसी है, देखिए एकदम। और
स्मेल भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें बहुत कुछ मिलाया हुआ है, पीपरमिंट वगैरह है, तो उससे जो हमारा स्किन रहता है काफी ज्यादा ठंडा ठंडा लगता है। मैंने पूरा ये बॉटल यूज कर लिया तब मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और मुझे तो वैसे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी मैं इसको यूज कर रही थी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैंने इसके पहले ग्रीन टी टोनर यूज किया था तो वो भी अच्छा मुझे लगा, और उसके बाद मैंने ये टोनर यूज किया, ये भी काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगा। अब मैंने गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर मंगाया हुआ है, अब मैं उसको ट्राई करूंगी तो उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसा मेरा मतलब वो मुझे कैसा लगा। ये तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा टोनर ये मिल जाएगा। आप इसको फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं भी आप इसको चेक कर सकते हैं, सारे साइट पे अवेलेबल है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था तो मैं बहुत दिन से इसका रिव्यू करने के लिए सोच रही थी गाइस, लेकिन मेरे पास टाइम उतना नहीं था तो इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं शेयर कर पा रही थी। तो मेरे तरफ से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और प्लीज गाइस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। का बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।